अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ झटपट मसाला चिकन। अगर आपको देर हो रही हो और घर में कोई सालन ना पड़ा हो और जल्दी में कुछ बनाना हो तो इस तरह से आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए और उनको कट करके इस तरह से जल्दी जल्दी में मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर हाफ फ्राई हो गया तो साथ ही मैं चिकन डाल दूँगी। यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ चिकन। इसको डाल के इसके साथ ही मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। चिकन फ्राई हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये लहसुन पाउडर और साथ में मैं डाल दूँगी ये अदरक पाउडर। ये डाल दिया, एक एक चाय का चम्मच डाला। आधा किलो चिकन है मेरे पास, थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पर मेरे पास है चार मीडियम साइज़ के टमाटर और पाँच से छः हरी मिर्चें, उनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। ये डाल के इनको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। पर मेरे पास आधी प्याली के बराबर दही है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा है, एक चाय का चम्मच ये जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास मसाले हैं जिसमें एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर डालूँगी, एक चाय का चम्मच मैं कुटी ये लाल मिर्च जो है वो कुटी हुई वो डालूँगी, हल्दी पाउडर डालूँगी और साथ में मैं एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर चला गया, ये डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करके ये डाल दूँगी। ये जो दही में मसाले मिक्स किए ये डाल के इनको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी और इसी के पानी में ये पक जाएगा। आखिर में धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर दूँगी। झटपट बनने वाला मसाला चिकन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का और बहुत जल्दी बनता है। ये देखने में भी बहुत मज़े का लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमारा झटपट सा चिकन रेडी है। अब इसको हरी मिर्चों और धनिए से मैं गार्निश कर दूँगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए। वही हमेशा की तरह यही कहेंगे, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।